एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट करना मत भूलना, इससे तुम्हारी फायदा है। अगर तुम्हें एपिसोड के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आने वाली है, तो पहले जाके उस एपिसोड को देखना मत भूलना। वीडियो के स्टार्ट में हमें तोमोया को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं अपनी हीरोइन में थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तभी कसुमे हुक्का कहती है कि ये मेरी राइटिंग पे अजीब लगेगा क्योंकि मैं हराम शो नहीं बनाती। तभी कसुमे हुक्का की तरफ से सावमुरा कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तोमोया क्या कहना चाह रहा है। देखो, अगर एक नोवेल की बात करी जाए तो वो पढ़ी जाती है, और डेटिंग सिम अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी तो इससे हमारी जो मेहनत है वो बेकार लगेगी, है ना तोमोया? तोमोया कहता है एरी। तभी कसुमे हुक्का कहती है इस समर ब्रेक के ख़त्म होने के बाद से तुम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट लग रही हो। तभी एरी कहती है तुमने क्या बोला? तभी कसुमे हुक्का कहती है कि देखो, हम लोग प्रोफेशनल राइटर हैं, हम हर बारी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तभी एरी कहती है अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम्हारी नई कॉमिक आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तभी सावमोरा कहती है तुम्हारी तो इतने में तोमोया कहता है रुको रुको, तुम दोनों बस करो सिनेरियो के, मैं देख लूँगा। ये कह तो तुम क्या कर रही हो, कह तो एक ऐसा एग्जांपल देती है जिसके बाद तोमोया कहता है कुछ भी नहीं हो सकता। एरी तभी बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था कि क्यों तो भी हमारे यहाँ बीच में वीडियो कॉल पर थी। और तभी तोमोया वीडियो कॉल को काटता है, और उसके बाद तोमोया कहता है चलो अब नहाने का समय हो चुका है, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। इतने में उसके सामने एक लड़की आती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते, और वो कहती है कि बहुत टाइम बाद मिले हम तोमोया। और उसके बाद वो मिल्क पी रही होती है जहाँ पे तोमोया बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। तभी तोमोया कहता है कि तुम कब आए? वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बताए बिना तुम्हारे घर में आ गई। तभी तोमोया कहता है कि नहीं, बात वो नहीं है, तुम मेरे पे ही ब्लेम करती है, अगर मैं तुम्हें वैसे देख लेता तो। तभी वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है तोमोया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस समय तुम्हें हाय बोलती? तोमोया कहता है चलो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। इतने में वो तोमोया के पास से जाती है और कहती है कि मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस है। और तोमोया उसके कपड़े को देख के कहता है कि तुम्हारे कपड़े ज़्यादा हार्टलेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो क्या तुम दोनों की फिर से फाइट हो चुकी है अब? वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि हम दोनों सेम एज के हैं, तो हम पे क्या बीतरी है। तोमोया कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों सेम बेड पे और सेम हॉस्पिटल पे पैदा हुए थे, पर ये नहीं है कि हम साथ में अब बिस्तर शेयर करेंगे, तो बताओ तुमने क्या करने की सोची है। तभी मिचुरू बोलती है कि मैंने सोचा है कि मैं अब बैंड ज्वाइन करूँगी हाई स्कूल में। तोमोया कहता है क्या? वो कहती है कि मैंने तुम्हें नए साल पे बताया तो था कि मैं बैंड ग्रुप ज्वाइन करूँगी। तोमोया कहता है वैसे भी पिछले 6 महीने से तुमने वॉलीबॉल और ड्रामा क्लब बास्केटबॉल भी तो ट्राई किया है। तभी वो कहती हैं कि मैंने वो सब ट्राई करने के बाद मुझे पता लगा है कि ये सब कुछ वो नहीं है जो मेरा टैलेंट है, मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुकी हूँ। तोमोया तुम तो गेम और एनिमी ही खेलते रहते हो, है ना, हम दोनों एक जैसे हैं ना? तोमोया कहता है कि नहीं, हम दोनों एक जैसे तो बिल्कुल नहीं हैं। तभी वो कहती हैं कि मैंने अपने डैड से कहा था कि मुझे म्यूज़िक बजाने के लिए थोड़ी सी एक जगह के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे घर से भगा दिया, और अब देखो तोमोया मैं तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ। तभी तोमोया कहता है ये कितना ज़्यादा अजीब है, तुम्हें कहते हुए अजीब नहीं लगता? तभी वो कहती है थोड़ा शांत हो जाओ तोमोया। तभी तोमोया कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम यहाँ आ गई हो, और देखो तो ज़रा तुम आधी रात में यहाँ आई हो, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। तभी वो कहती है किसे परवाह है भला मेरी, तुम्हारे सिवा मुझे देख कौन रहा है। तभी तोमोया कहता है कि हाई स्टैंडर्ड स्कूल के बंदे के साथ तुम रह रही हो, तुम्हें इसकी कोई भी परवाह नहीं है। तभी मिचुरू कहती है कि तुम वो बंदे नहीं हो जो मुझे वैसी नज़रों से देखे, मुझे पता है। तभी तोमोया कहता है कि ओ भगवान प्लीज़, इस लड़की के घर वाले तो पागल है ही, साथ में मुझे ज़रूर बचा लेना। इतने में वो आती है और तोमोया को कहती है कि ज़रा मेरी आँखें तो देखो तोमोया। और तोमोया कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तोमोया को जो कि अपने गले को पकड़ रहा होता है, और क्यों तो कहती है कि क्या तोमोया रात को तुम ठीक से सोए नहीं थे।
तो मोया कहता है रात को लगता है मैं बेड पे ठीक से सो नहीं पाया था। इतने में कासुमी हुक्का उसके लैपटॉप पे हाथ रखती है और कहती है आज मैं तुम्हारा सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हूँ तुमोया। तो मोया कहता है का तो तुम का हो, का तो तुम वहाँ कब बैठी। तभी कासुमी हुक्का कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो मोया कहता है कि नहीं मैं तुम्हें और ज़्यादा दिक्कत में नहीं डालना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी इतनी अच्छी स्टोरी लिखने वाली राइटर कहीं चली जाए, मुझे नहीं लगता 1000 साल में भी मुझे ऐसा कोई मिलेगा। तभी काजुबी हुक्का कहती है ये क्या, तो बताओ रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है फ़ोन में, मुझे इसकी लाइन रिकॉर्ड करनी थी। तभी साबामोरा कहती है काजुबी हुक्का तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। काजुबी हुक्का कहती है कि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। अगले सीन में साबामोरा कह रही होती है कि हमें यहाँ पे थोड़ी डिटेल करने की ज़रूरत है। तभी काजुमी हुक्का अंदर हॉल में जाती है और कहती है एरी जरा ध्यान से सुनो। तभी एरी कहती है चुप करो। खैर तो मोया कहता है कि हाँ मैं इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। इतने में क्यों तो पूछती है कि ये दोनों चीज़ें क्या है तुमोया। तो मोया कहता है कि एक में प्रोग्राम के बारे में है और दूसरे में गेम के एनिमेशन को लेके। इतने में तुमोया कहता है मैं नर्वस हो रखा हूँ। तभी एरी बोलती है खैर अच्छी स्क्रिप्ट के साथ मैं तुम्हारी मदद पूरी करूंगी तुमोया। इतने में काजुमी हुक्का कहती है एक आर्टिस्ट अपने मिस्टर एथिकल की मदद करने वाला है, क्या वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर वो उसके लिए खास है। इतने में एरी बोलती है कि चुप करो और यहाँ पे आके सिनेरियो में आके बात करनी है तो वो करो। इतने में एरी कहती है कि यहाँ पे बात तो सब सारी ख़त्म हो गई है, बस बात है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की। क्यों तो कहती है बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होता है। तो मोया कहता है उसके बिना गेम अधूरी है क्यों तो। एरी कहती है अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा होगा तभी लोग फ़ोटो को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटिस्फाई हो पाएंगे, तो इसके बारे में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा तुमोया। इतने में तुमोया को एक चीमेल आई होती है कि मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा है कि तुम अगर रात को घर पे आओगे तो उसे खाना मत भूलना। तुमोया कहता है क्या तुमने पढ़ा। क्या तो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो उनका मतलब तक नहीं पता। तुमोया कहता है तुमने पढ़ा ना। क्यों तो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। इतने में सोमोरा उसका फ़ोन ले लेती है और पढ़ती है जिसमें बाद तुमोया की वाट लग चुकी होती है बहुत तगड़े तरीके से। और काजुमी हुक्का कहती है कि मिचिरू ये तुम्हारी कज़न है। तुमोया कहता है कि वो अपने घर से भाग के मेरे घर आ चुकी है, उसकी फैमिली में उसकी लड़ाई हो चुकी है। तभी काजुमी हुक्का कहती है वो तुम्हारे जितनी एज की है और तुम दोनों साथ पे रहते हो, वाह क्या बात है तुमोया तुम तो बढ़िया हो। तभी सावमोना कहती है कि तुम तो रियल लाइफ पे भी परवट निकले तुमोया, तुम तो डबल बैटिंग खेलते हो। तभी काजुमी हुक्का कहती है तो कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर एथिकल, हमें सब सच सच बता दो। तभी तुमोया उन्हें बताता है कि वो दोनों सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं और बचपन से ही साथ में रहे हैं। तभी काजुमी हुक्का कहती है इसका मतलब तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम्हारी रिलेशनशिप तो काफ़ी ज़्यादा नॉक ऑफ है। तुमोया कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया काजुमी हुक्का, ऐसी बात नहीं है। इतने में एरी बिल्कुल शॉक्ड हो रखी होती है, नॉक ऑफ कहती है क्या मतलब, तुम्हारा गलत संगति में पड़ गया है, उसी पे मुझे ध्यान देना चाहिए था। जिसके बाद ही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और तुम्हारा आ जाता है। तुम्हारा कहता है मिचुरू जल्दी से खड़ी हो। मिचुरू कहती है ओ तुम्हारा मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, देखो मैं अपना घर से आखिरकार गिटार ले ही आई। तभी तुम्हारा कहता है कि मिचुरू क्या घर में चोरी हुई है। वो कहती है नहीं मैंने थोड़ी सी सफाई की है, देखो ना मैंने सारी प्लास्टिक का जो सामान था वो रद्दी के फेंकने की जगह गार्बेज बैग में बांध के कूड़ेदान में फेंक दिया है। तभी तुम्हारा बड़ी तेजी से भागता है और अपने सारे डोज को पकड़ता है और पोस्टर को कहता है ओह मकीमा और शोको आई ओ नो, तुम मेरी बात सुनो, तुम बिना चप्पल पहने घर से बाहर भाग जाओ क्योंकि तुम बहुत बेकार हो। मिचरू मिचरू कहती है तुमोया मैं तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहती थी, खैर मेरी गलती है मुझे माफ़ कर दो। तुमोया कहता है प्लास्टिक की चीज़ें तुम्हें कूड़ा लगती है तो तुम्हें प्यार की वैल्यू क्या ही पता होगी। तभी वो कहती है नहीं कपल्स में थोड़ा झगड़ा होता रहता है, तो ऐसी बात नहीं है तुमोया। तुमोया कहता है कि कपल्स को इस बीच में
मतलब तभी मिचुरू कहती है चलो ना तुम्होया, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन करा दूंगी दो तीन लड़की से, एक तो पार्टी जाएगी। तुम्होया कहता है ये नामुमकिन है, एक ओताकू जो कि एक असली ओताकू हो वो कभी भी एक असली लड़की को डेट नहीं करता, खास तौर पे मैं। तभी वो कहती हैं कि तुम्होया क्या और कोई लड़की होती तब भी तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होता। तभी तुम्होया कहता है कि नहीं तुम मेरी रिलेटिव हो इसलिए। मिचुरू कहती हैं कि वैसे मैंने सुना है टोयोकासा की एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, तो मैं किसी एक से बात कर लूँगी जो तुम्हें डेट करेगी। तुम्होया कहता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तभी तुम्होया कहता है कि सच बताना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है भी, क्योंकि तुम जैसी हरकत कर रहे हो मुझे नहीं लगता कोई होगा। तभी मिचुरू कहती है मैंने बॉयफ्रेंड बनाने की तब सोची है कि जब मैं बैंड ग्रुप में स्टार बन जाऊँगी। तुम्होया कहता है कि मेरा भी एक सपना है एक अल्टीमेट डेटिंग सिम बनाऊं। मिचुरू कहती है कि मैंने सुना है क्रिएटर डूब जाते हैं उनमें पैसे कम पड़ते हैं, इस चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है तुम्होया, तुम अपनी होप्स के साथ नहीं जी सकते। तुम्होया कहता है तुम हो कौन, मेरी माँ है, खुद को देखो तुम घर से भाग के आई हो। नेक्स्ट सीन में तुम्होया कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम्हें गिटार बजाने की इजाज़त दे रहा हूँ पर इसे एम्पलीफायर में मत बजाना। तुम्होया के जाते वो हेडफोन उतारती है और अपना एम्पलीफायर लगाती है और उसे बजाने लग जाती है। जिस एम्पलीफायर को सुनते हुए तुम्होया अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा होता है। और गाइस कसम से वो म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एपिसोड देखना मत भूलना, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। तभी तुम्होया कहता है मिचुरू कहती है मुझे माफ़ करना तुम्होया, मैंने फिर भी एम्पलीफायर में लगाया। तभी तुम्होया कहता है तुम्हें डेटिंग सिम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाना चाहिए मिचुरू, और इतने में उसका टॉवल गिर जाता है। और गाइस यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा, वीडियो देख के मज़ा तो मुझे कमेंट के नीचे ज़रूर बताना। और मैं चलता हूँ इससे, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।